विभाग द्वारा स्थानीय सोराबी पर निकट बाबा मनीराम अखाड़ा में महादलित परिवारों एवं मजदूरों के बीच सब्जी युक्त खिचड़ी का वितरण किया गया। डाक अधीक्षक उदय भान सिंह के दिशा निर्देश पर डाक कर्मियों के सहयोग से यह राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस लॉकडाउन में डाक विभाग की यह पांचवी पहल है जिसमें गरीब लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई गई है। श्री सिंह ने यह भी जानकारी दी कि कल दिनांक 4 मई को नालंदा मंडल ने राष्ट्रीय स्तर पर AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का लगभग 7000 से अधिक का लेन देन किया है, जिसमें 65 लाख रुपए से अधिक की निकासी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। इस संदर्भ में हमारे सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा भी डाक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई एवं प्रशंसनीय पत्र भी विभाग को प्राप्त हुआ है। इस लॉकडाउन अवधि में जहां एक तरफ बैंकों में काफी भीड़ देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से लगातार अपनी सेवाएं लोगों को उनके द्वार पे दे रही है। साथ ही कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। आज नालंदा डाक परिवार की ओर से हम लोग इस मनीराम अखाड़ा के ही सहयोग से गरीबों के बीच खिचड़ी का वितरण करवा रहे हैं डाक विभाग की ओर से, जिसमें हमारा प्रयास है कि 400 से 500 लोगों के बीच बनी हुई खिचड़ी का वितरण किया जा सके। और एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ देता हूं कि कल हम लोगों ने नालंदा AEPS डे रखा था। नालंदा से ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट। Nation 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल Nation 24 के साथ। नमस्कार।